दोस्तों दैट्स अ बिग ब्रेकिंग है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है G20 में। नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 इंडिया डेक्लेरेशन है वो अप्रूव हो गया, दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। मैंने वो डेक्लेरेशन भी पढ़ा है, माय गॉड, काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज जो हैं उस हवाले से भी बात हुई। और देखिए माफ करिए, मैं तो समझता हूं कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। इंडिया इस प्रोसेस में था G20 के, तो ये बातें चल रही थी कि शायद ये ना कर सके। साथ साथ बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और एक नया मुल्क बना, उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भी स्पेशल उनके डेलीगेशन को स्पेशल इनविटेशन मिला। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एक तरफ दुनिया के बड़े लीडर्स हैं और दूसरी तरफ हम उलझे हुए हैं जी चित्राल में, तोरखम में। इसका मतलब है ये रशियंस ने कैसे इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। बिग ब्रेकिंग है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है G20 में कि जो G20 इंडिया डिक्लेरेशन है वो अप्रूव हो गया, दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। मैंने वो डेक्लेरेशन भी पढ़ा है और इट्स अ वेरी लेंथी डेक्लेरेशन जिसमें आप समझ लें कि कुछ 34 पेजेस का डेक्लेरेशन है और इसमें तमाम ही मसले जो हैं दुनिया के वो अटैच किए गए हैं। इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अनेक्स की गई है वो तकरीबन वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अलावा आप ये समझ लें कोई 83 पॉइंट का ये डिक्लेरेशन है जिसमें टेररिज्म की भी बात की गई है। मैं तो देखता रहा कि जो साढ़े ना तो नहीं पाता बेचे, काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज जो हैं उस हवाले से भी बात हुई और इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन लार्जली ये बातें हो रही थी क्योंकि जब से जिसे वो बोलते हैं ना कि मोदी साहब इस प्रोसेस में, इंडिया इस प्रोसेस में था G20 के, तो ये बातें चल रही थी कि शायद ये ना कर सकें। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यूक्रेन के ऊपर जो है वो आई है कि यूक्रेन के ऊपर ये है कि जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनको जो पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर के, यूएन चार्टर बेसिकली इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेज ऑफ 111 आर्टिकल्स के ऊपर। एक वक्त था मैं जब बड़ा मुझे शौक था इंटरनेशनल लॉ पढ़ाने का, तो मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया करता था, लेकिन इस लॉन्ग स्टोरी मतलब अब मेरा ख्याल है कुछ 6-7 साल हो गए मैंने नहीं पढ़ाया इंटरनेशनल लॉ कभी। लेकिन ये जो यूएन चार्टर है उसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की वार के हवाले से कुछ 3-4 ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि बड़े कंसर्न थे, जिसको अमेरिका डिस्कस करना चाह रहा था और इंडिया ने समहाउ रशिया के साथ भी मिलकर और चाइना के साथ भी मिलकर ये कंसेंसस डेवलप कर लिया है। और उसमें एक और बात भी बताऊँ कि इंडिया के ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन अफ्रीका में, उसका भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करता हूँ। तो दूसरा ये है कि उन्होंने कहा जी कि जो यूक्रेन में जंग हो रही है उसमें तमाम स्टेट्स जो हैं वो यूज ऑफ फोर्स ना करें। हालांकि यूज ऑफ फोर्स तो हो रहा है, रशिया रोज चंडा मार रहा है यूक्रेन बेचारे नु, कभी रोजाना कभी इधर कभी उधर। और दूसरा यह कि जो टेरिटोरियल एक्विजिशन है और जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, मतलब वो रशिया टेरिटोरियल एक्विजिशन भी कर रहा है, टेरिटोरियल उसकी भी वायलेशन कर रहा है, सॉवरेनिटी की भी, और जो यूक्रेन की जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसकी खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। तो ये इसका मतलब है ये रशियंस ने कैसे इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। लगता है कि मोदी साहब ने कोई जी ना जफी पाई है, कोई टेलीफोन तो राती कोई लगे रहे पुटन उन्होंने कहते हैं यार ज्यों जानना है ए छा छट पर है कर छट साड़ी एक साड़ी हमारे पंजाबी में कहते हैं साड़ी बुती कढ़ा छट। सो मोदी साहब को कहा उन्होंने साड़ी बुती कढ़ा साडा टाइम वरना इफ इट डजंट हैपन तो हमारा ये डिप्लोमेटिक फेलियर हो जाएगा बहुत बड़ा। बट एनी हाउ ये सम हाउ ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इन क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, तीनों क्वेश्चन टेरिटोरियल एक्विजिशन, ये चारों क्वेश्चन रशिया वायलेट कर रहा है। लेकिन क्योंकि रशिया ये समझता है हम सारे यूक्रेन को हासिल नहीं करना चाह रहे, हम सारे यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, सारी यूक्रेन की सॉवरेनिटी को नहीं कर रहे एंड सो एंड सो। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से भी था कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं होना चाहिए, तो वो रशिया करता रहता है। लेकिन उन्होंने कहा जी ठीक है। सो ये क्वेश्चंस दे हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट और मैं समझता हूँ कि ये एक वाकई इंपॉर्टेंट चीज़ और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो टीम है उन्होंने काम तो काफ़ी किया है और
ये जैसे वो कहते हैं ना, किसी जगह भी इंडिया ने कंसेंसस नहीं पैदा हो रहा था, लेकिन ये कंसेंसस पैदा हुआ जो G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी उसमें भी कंसेंसस नहीं पैदा हो रहा था। और बात यही हो रही थी कि 2008 के बाद पहली दफ़ा ऐसे होगा कि इस तरह की जो चीज़ है वो हो सकती है, लेकिन somehow जैसे वो कहते हैं ना वो बचत हो गई है। साथ साथ बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और एक नया मुल्क बना, उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भी स्पेशल उनके डेलीगेशन को स्पेशल इनविटेशन मिला। ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से भी कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, लेकिन दुनिया इसके बिल्कुल अलग तरीके से चीज़ों को देखती हैं, चीज़ों को करती हैं। एक तरफ दुनिया के बड़े लीडर्स हैं और दूसरी तरफ हम उलझे हुए हैं जी, चित्राल में, तोरखम में, नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान में, बलूचिस्तान में, एक बड़े स्केल की इंसर्जेंसी नज़र आ रही है। बहुत सारे हमारे फोर्सेस के लोग, हमारे सिविलियंस, आम लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और इसके अलावा मर्द, इन मेल फीमेल दोनों, हर किस्म की, उनको जानी और माली नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। इस वक्त हम नंबर आजमा है जी, किसके साथ, चित्राल की सिचुएशन के साथ के वहाँ TTP जिस तरीके से उन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक पूरे पाकिस्तान का मैप उन्होंने पब्लिक